very good evening to all. If you are present here, please type yes in the comment box to show your presence. Okay, I'm going to start. आज के जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, इन टॉपिक्स में हम हमारे डिस्कस करेंगे जो नेट स्पेसिफिक आपका सिलेबस है, नेट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं DBMS के, उनको हम डिस्कस करेंगे आज. आपका इसमें सिलेबस में आता है डाटाबेस में रिकवरी सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक्स, रिकवरी सिस्टम, ट्रांजेक्शन पार्ट है आपका. ट्रांजेक्शन पार्ट में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन क्या होता है, सेकेंड इज कॉन्करेंसी कंट्रोल, एंड थर्ड पार्ट इज रिकवरी सिस्टम. आफ्टर दैट वी हैव मैनी मॉडल्स ऑफ ऑपरेटिंग डाटाबेस सिस्टम लाइक ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डाटाबेस सिस्टम, ऑब्जेक्ट रिलेटेड डाटाबेसिस. आफ्टर दैट वी हैव मैनी इनहेंस्ड डाटा मॉडल्स, इनहेंस्ड डाटा मॉडल्स. इनहेंस्ड डाटा मॉडल्स में आपके पास है मोबाइल डाटाबेस, यहां पे हमारे पास है मोबाइल डाटाबेस, स्पेशियल डाटाबेस, स्पेशियल डाटाबेस. आफ्टर दैट वी हैव ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस. ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं आपके इनहेंस डाटा मॉडल चैप्टर में, इनहेंस डाटा मॉडल. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट चैप्टर इज रिलेटेड टू योर डाटा माइनिंग, डाटा माइनिंग. डाटा माइनिंग चैप्टर को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. यहाँ पे डाटा माइनिंग में हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे सबसे पहले डाटा वेयरहाउस के बारे में, डाटा वेयरहाउस के बारे में हम स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट वी हैव डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स. हमारे डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स होंगे जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, SVM एल्गोरिथम, KNN एल्गोरिथम, मार्कोव मॉडल्स. ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, दैट इज रिलेटेड टू बिग डाटा, बिग डाटा. यहाँ पे हम स्टडी करेंगे बिग डाटा, व्हाट इज बिग डाटा, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डाटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिग वीज मॉडल्स आर प्रेजेंट इन योर बिग डाटा, एंड आफ्टर दैट HDFS बिग डाटा फाइल सिस्टम. और लास्ट चैप्टर हमारा रहेगा, दैट इज रिलेटेड टू NoSQL, NoSQL. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज रिकवरी सिस्टम. रिकवरी सिस्टम में हम स्टडी करेंगे हमारा मेन चैप्टर, दैट इज डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स. डाटाबेस रिकवरी टेक्निक्स में हम स्टार्टिंग करेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके टॉपिक्स होंगे. फर्स्ट वन इज फेलियर क्लासिफिकेशन, आपका ट्रांजेक्शन में क्या कहाँ कहाँ पे फेलियर अकर हो सकता है. आफ्टर दैट डाटाबेस रिकवरी, आप कैसे रिकवरी कर सकते हो, क्या क्या आपके रिकवरी स्टेप्स हैं. आफ्टर दैट द स्टोरेज स्ट्रक्चर, एंड वी हैव रिकवरी एंड एटॉमिसिटी, दीज आर योर रिकवरी मेथड्स. ये आपके रिकवरी मेथड्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में यहाँ पे, रिकवरी मेथड्स. लॉग बेस्ड रिकवरी हमारा है, इसमें हम स्टडी करेंगे वन ऑफ द मेन एल्गोरिथम, दैट इज WAL एल्गोरिथम, राइट अहेड लॉगिंग, राइट अहेड लॉगिंग. और इसके बाद हमारा मेन एल्गोरिथम रहेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम फॉर रिकवरी सिस्टम, दैट इज ARIES एल्गोरिथम. और उसके बाद हम लास्ट टॉपिक, दैट इज रिमोट बैकअप सिस्टम, रिमोट बैकअप सिस्टम.
ये हमारा टॉपिक है डाटाबेस रिकवरी टेक्निक चैप्टर में. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आप लोगों ने स्टडी किया. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिटी प्रोवाइडेड बाय ए DBMS. इन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट वी हैव टू मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंसी कंट्रोल आप स्टडी करते हो, मीन्स हाउ टू एग्जीक्यूट मैनी ट्रांजेक्शन इन कॉन्करेंटली और हाउ टू एग्जीक्यूट मैनी ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली. वहाँ पे हमने स्टडी किए थे हमारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल. ये हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो हमने स्टडी किए थे कॉन्करेंसी कंट्रोल में. नाउ वी स्टार्ट विद द चैप्टर रिकवरी. रिकवरी में मेनली हम यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की दो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वन इज अटोमिसिटी एंड सेकेंड वन इज ड्यूरेबिलिटी. ट्रांजेक्शन आप स्टडी करते हो तो वहाँ पे हमारे पास, हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एसिड प्रॉपर्टीज, अटोमिसिटी, कॉन्करेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. अटोमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू योर रिकवरी पार्ट. एंड रिकवरी मैनेजर ऑफ अ DBMS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दीज टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रांजेक्शन, अटोमिसिटी प्रॉपर्टी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी. अटोमिसिटी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करती है कि आप कोई भी ट्रांजेक्शन यदि स्टार्ट कर रहे हो तो आप या तो उस ट्रांजेक्शन में होने वाले सभी एक्शंस को परफॉर्म करेंगे या फिर आप किसी भी एक्शंस को परफॉर्म नहीं करेंगे अगर आपके ऑपरेशन में, आपके ट्रांजेक्शन में कमिट ऑपरेशन नहीं है तो. कमिट ऑपरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रांजेक्शन पार्ट में. कमिट मीन्स कमिट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपने जो भी काम आपके ट्रांजेक्शन में किया है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है आपके डिस्क पे, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज पे. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी आपका रिलेटेड है आपकी रिकवरी से रिलेटेड. अगर आपके सिस्टम में कोई क्रैश अक्कर हो जाता है, लाइक आपका कोई एरर आ गया, इंटरनल एरर, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल डाला है आपका बस रिलेटेड एरर, या फिर आपका कोई मीडिया रिलेटेड एरर है कि आपकी डिस्क है वो करप्ट हो गई है, तो आप कैसे आपके सिस्टम के जो रिकवरी है उसको कर पाएंगे. ड्यूरेबिलिटी सिस्टम आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एल्गोरिथम आता है, वन ऑफ द एल्गोरिथम इज RAID एल्गोरिथम जो आपका डिस्क रिलेटेड है. दैट इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क रिकवरी सिस्टम. रिकवरी मैनेजर आपका कंपोनेंट है आपके DBMS का. हमने DBMS डिज़ाइन जो फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया था वहाँ पे हमने डिफरेंट आपके पीपल्स के बारे में डिस्कस किया था जो भी आपके काम करते हैं रिलेटेड टू योर डाटाबेस. वहाँ पे हमने बात की थी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में. डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो आपकी डाटाबेस डिज़ाइनिंग से, डाटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, डाटाबेस फेलियर एज वेल एज डाटाबेस रिकवरी, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है. ठीक है, यहाँ पे उसी में एक पार्ट होता है, दैट पार्ट इज रिकवरी मैनेजर पार्ट, जो सबसे हार्डेस्ट कंपोनेंट होता है डाटाबेस डिज़ाइन का और इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका ये डाटाबेस के डिफरेंट स्टेट्स के साथ डील करता है, जिनमें आपका अगर कोई फेलियर अक्कर हो जाए तो सबसे पहले उस फेलियर को डिटेक्ट करना है. उस फेलियर को डिटेक्ट करने के बाद उसके लिए आपको सॉल्यूशन जनरेट करना है कि आपका डिस्क में फेलियर हुआ है तो आप उस फेलियर को कैसे वापस रिकवरी कर पाएंगे, या फिर आपकी कोई इंटरनल एरर है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके लिए क्या सॉल्यूशन करेंगे. रिकवरी मैनेजर आपका इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. आफ्टर दैट डाटाबेस रिकवरी, सेकेंड पार्ट इज डाटाबेस रिकवरी. व्हाट इज डाटाबेस रिकवरी. Database recovery is the process of restoring the database to the most recent consistent state.
that exist just before the failure. Just before the failure. Database recovery का meaning है कि आपके transaction में यदि कहीं पे failure occur हुआ है, तो उस failure से पहले आपके database की जो भी consistent state थी, जहां तक आपने आपके transaction part को सेव किया है, वहां तक आपके डेटाबेस को फिर से रिस्टोर करना. दैट इज द मेन पार्ट और मेन वर्किंग ऑफ योर डेटाबेस रिकवरी. डेटाबेस रिकवरी इज प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू द मोस्ट रिसेंट कंसिस्टेंट स्टेट. कंसिस्टेंट स्टेट मीन्स जहां पे आपका डाटा कंसिस्टेंट था, जहां पे आपका डाटा हमने सेव कर लिया था. ओके यहाँ तक की सेविंग आपके कंसिस्टेंट मीन्स आपकी सेविंग यहाँ पे परमानेंटली सेविंग है. आपने जो भी चेंज किए हैं वो चेंज आपके परमानेंट चेंज हैं. दैट एग्जिस्ट बिफोर द फेलियर, फेलियर से पहले. ओके यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज करते हैं. आपके जो रिकवरी एल्गोरिथम्स हैं, रिकवरी एल्गोरिथम्स आपकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आपको इंश्योर करती हैं आपकी कंसिस्टेंसी को, आपके ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी को, आपकी ड्यूरेबिलिटी को विदाउट एनी फेलियर्स. डाटाबेस कंसिस्टेंसी, आपका डाटाबेस बिफोर द ऑपरेशन कंसिस्टेंट था और आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन आपका डाटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए. ट्रांजेक्शन एटोमिसिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि या तो आपके ट्रांजेक्शन में सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाएगा विद कमिट ऑपरेशन, अदरवाइज नन ऑफ देम. एंड ड्यूरेबिलिटी इज रिलेटेड टू रिकवरी पार्ट. अब हमारा जो रिकवरी एल्गोरिथम्स होते हैं, ये एल्गोरिथम्स आपके दो स्टेप्स को लेके काम करते हैं विद टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट्स एक्शन टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांजेक्शंस इंश्योर एनफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टू रिकवर फ्रॉम फेलियर. आपने जो एक्शन परफॉर्म किए हैं ड्यूरिंग योर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, वो सभी एक एनफ इंफॉर्मेशन है कि अगर आपका कोई फेलियर अक्कर हो जाता है तो उस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन से आपकी रिकवरी कर सकें. आपका कोई फेलियर अक्कर हुआ है तो आप रिकवरी कर सकें. ओके एक्शंस टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल ट्रांजेक्शन. आपने जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग की, आपके ट्रांजेक्शन में जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म किए, दैट आर द एनफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट टू रिकवर फ्रॉम अ फेलियर. ओके सेकेंड इज यहाँ पे देखिए बात की गई थी आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. एंड सेकेंड पॉइंट में ये डिस्कस करता है कि आपका फेलियर यदि अक्कर हो जाता है तो कैसे कर पाएंगे. एक्शंस टेकन आफ्टर ए फेलियर टू रिकवर फ्रॉम द डाटाबेस कॉन्टेंट्स टू ए स्टेट that ensure our ACID properties. आपका फेलियर अक्कर हुआ है, ठीक है, actions taken after a failure के बाद आप actions क्या लेंगे, आप solution find out करेंगे. यहाँ पे आपका actions क्या perform करेंगे, आप failure के बाद आप recovery करेंगे. और जो रिकवरी करने के बाद आपका डाटाबेस कंटेंट है, वो कंटेंट आपके डाटाबेस को एक ऐसी स्टेट में लेके आए जो स्टेट आपकी एसिड प्रॉपर्टीज को इंश्योर करती है कि हमारा ये जो स्टेट हमने फिर से रिकवर किया है डाटाबेस का, इसमें हमारी एसिड प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई हो रही हैं. एसिड प्रॉपर्टीज हैं, इनको वायलेट नहीं किया गया है. दीज आर द टू मेन पार्ट ऑफ योर रिकवरी एल्गोरिथम. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज टॉकिंग अबाउट आफ्टर फेलियर.